हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोई भी DSLR चलाना कैसे सीखेंगे, क्योंकि एकदम अगर आप बिगनर हो, कुछ भी नहीं जानते, तो सिंपल सा मैं बताऊंगा और उसी स्टेप को आप फॉलो करते जाएं। तो सबसे पहले बताऊंगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट जो सेटिंग है करनी चाहिए एक बिगनर फोटोग्राफर को, ताकि आपकी इमेज शार्प और क्लियर आए। तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, यहाँ पर आपका ऑन ऑफ बटन होता है कैमरे की, तो सबसे पहले यहाँ से ऑन कर लेंगे। तो ये देखिए, स्क्रीन ऑन हो गया आपके पास, स्क्रीन ऑन हो गया। तो ये स्क्रीन ऑन हो गया, फिर यहाँ पे ये मेनू बटन है, मेनू बटन को प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद देखिए आपको चले जाना है यहाँ पे। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको सेटिंग इमेज क्वालिटी जो क्या करनी है, आपको अगर बिगनर हो तो आपको JPEG रखनी है। और ये जो दूसरे नंबर पर आएगा ड्राइव मोड, ड्राइव मोड में क्या है, आपका सिंगल शॉट रहना चाहिए। ये जो है ये कंटिन्यूस शॉट है, तो ये ऑफ रहने की सिंगल शूटिंग रहना चाहिए। और यहाँ पे जो दिख रहा होगा ये कंटिन्यूस शूटिंग, यानी कोई भी अगर सब्जेक्ट मूविंग में हो, अगर वो कोई सा भी सब्जेक्ट जैसे रन कर रहा हो या दौड़ रहा हो, तो अगर उसकी कैप्चर करनी तो कंटिन्यूस शूटिंग किया जाता है। तो इसके बारे में बाद में डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो। सबसे पहले ये देखेंगे सिंगल शॉट के लिए, सिंगल शॉट पर क्लिक कर लेंगे और बस इतना ही करना है, दो ही सेटिंग, इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, बाकी ऑटो मोड में है ये। तो अब सिंपल से क्या करना है, अब ये लाइट व्यू पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपको क्या करना है, जैसे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट पे आपको पहले फोकस करना है। तो ये जो होता है ये शटर बटन होता है यहाँ पे, तो ये दो बार प्रेस होता है, एक छोटा सा ऐसे देखिए हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये फोकस बनाता है कोई भी सब्जेक्ट पे। तो देखिए अगर आप कोई ह्यूमन सब्जेक्ट का अगर फोटो क्लिक कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें जो ये दिख रहा होगा बीच में, जो ये ग्रीन कलर का डॉट आ रहा होगा, ये हमेशा आई पे कॉन्टेक्ट करें, आई पे ज़्यादा करके फोकस करें, इससे इमेज जो आपकी है शार्प और क्लियर आती है। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो ये फोकस बनाएगा, क्योंकि ये फोकस बना लिया हमारा, देख रहे हैं फोकस बना रहा है ये। और जस्ट दोबारा प्रेस करेंगे तो ये देखिए फोटो हमारी क्लिक है, कितना इमेज शार्प और क्लियर आई है। देखिए इसी को दोबारा प्रेस करेंगे, इसी को दो बार, एक बार होल्ड करेंगे तो ये फोकस बनाएगा, और बिना रिलीज किए दोबारा से प्रेस करेंगे तो ये देखिए फोटो हमें क्लिक कर लेगी। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में मिनिमल मेंट को बनाऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।